तो अगला सवाल झुमरी तलैया से आया है, आपके यहाँ पे फरमाइश है कि राजेश खन्ना और मुमताज का एक गाना सुनना चाहते हैं, हाउ टू प्रैक्टिस एज अ कंसल्टेंट, है ना? तो ध्यान से सुनिए, अगर आपको एज अ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करनी है, एज अ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करनी है, तो आपको आपका डेली रूटीन लाइक अ कंसल्टेंट बनाना पड़ेगा। यू विल हैव टू लुक लाइक, यू विल हैव टू लिव लाइक, यू विल हैव टू टॉक लाइक, यू विल हैव टू बिहेव लाइक, यू विल हैव टू डिस्प्ले लाइक अ कंसल्टेंट। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ क्या ना करे, क्या ना करे। अगर आपको अच्छा कंसल्टेंट बनना है तो समझे क्या ना करे। तो मिक्स मैसेजेस ना दे समाज को, मिक्स मैसेजेस ना दे समाज को। अगर मान लो आप में से किसी का कोई बिजनेस है, तो आप ये कंसल्टेशन बिजनेस और वो एक बिजनेस दो ही मैसेज दे, चलेगा। और अगर आपके ऑलरेडी दो बिजनेस है और ये तीसरा कर रहे हो, तो किसी एक से बाहर हो जाए या उसे डेलीगेट करे किसी को। क्या मैं क्लियर बात कर रहा हूं? क्योंकि अगर आप दो से ज्यादा काम कर रहे हो ना, लोग आपको सीरियसली नहीं लेते, अनलेस एंड अंटिल यू आर समवन लाइक टाटा बिरला या अंबानी, क्योंकि उनकी हर किसी की स्पेशलिस्ट टीम है। आप खुद टीम हो ना। एनीबडी हियर हु हैज 100+ की टीम? एक ही हाथ खड़ा है ना? एक ही हाथ खड़ा है। तो मैं चार चीजें कर सकता हूँ यार, सोहम गुरुकुल भी चला सकते हैं, है ना? मेरा लाडली चलता है, एक प्रोजेक्ट है, फिर निखिल मैत्री प्रोजेक्ट है हमारा, ओके, फिर हमारा हेल्पिंग हैंड चलता है, सारथी ग्रुप चलता है, तो आई एम इनटू 7-8 अलग अलग बॉडीज पे हूँ, ओके, ब्लड डोनेशन का काफी अच्छा काम करते हैं हम, कई सारी चीजें करते हैं, बट क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास टीम है। अगर आपके पास टीम है तो आप मल्टीपल चीजें करें, बट आपका प्रोजेक्शन, आई रिपीट, आपका प्रोजेक्शन दो से ज्यादा चीजों में नहीं जाना चाहिए। आई विल गिव सम एग्जांपल, अगर मुझे पता है तो। मान लो सारिका मैम की बात करते हैं, तो सारिका मैम बाल संस्कार रिलेटेड कुछ करते हैं जो हमारे फील्ड से मिलता जुलता है, तो वो उसको प्रमोट कर सकती है और ये डीएमआईटी या कंसल्टेशन को प्रमोट कर सकती है, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। मान लो तीर्था मैम एंड श्रंति मैम टीचिंग में है, टीचिंग प्लस कंसल्टेशन कैन गो हैंड इन हैंड, यस और यस। मान लो विभूति सर है, तो उनके कुछ स्कूल्स है, तो वो अपना काम करे और वो ये भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि मैं बच्चों को उनकी बेटरमेंट के लिए पर्सनलाइज गाइडेंस दे रहा हूँ। दो चीजें, अरिगढ़ी में मान लो अपना मैम का बिजनेस है, या फिर कहाँ गए ठाकुर, स्क्रीन पे क्यों नहीं दिख रहे मुझे, अभी तो थे, हाँ दिख गए, ओके, तो ठाकुर मैडम का, ठाकुर साहब ने, ठाकुर मैम का भी बिजनेस है। दो चीजें आप प्रमोट कर सकते हो, लोग लाइजेस कर लेते हैं, नॉट एन इशू, बट दो के बाहर ना जाए, दो के बाहर ना जाए। एंड डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन क्या है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल, अब मान लो किसका नाम लेंगे हम, इसका लेंगे, क्या नाम है इसका, पदुकोण, दीपिका पदुकोण का नाम लेते हैं, ओके, तो वो आ जाती है शॉर्ट स्कर्ट्स में Page 3 पे, आया ना, आ जाती है, चल जाता है, बिकॉज उसके प्रोफेशन से वो रिलेट करता है, आया ना, शो ऑफ हैंड्स अगर आप मेरे से रिलेट कर पा रहे हो, ओके, उनके लिए वो नॉर्मल है, क्या आपके लिए, मेरे लिए है वो? अरे आप तो छोड़ो, यहाँ महिलाएं ज्यादा है, इवन मैं और हमारे हेमंत गोसावी सर है ना, हम बैडमिंटन को भी शॉर्ट्स में नहीं जाते, बहुत छोटे वाले। हमारे गोसावी सर बोलते हैं यार अनकंफर्टेबल फील होता है जब ना बाकी वाले सब दुलाई को अचानक जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, और फुटबॉल वाली शॉर्ट पहन के बैडमिंटन को आना पड़ता है, तो अनकंफर्टेबल लगता है घर से कोर्ट तक। ये क्या है, ये हमारे संस्कार है। आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। आपको फुल फ्रीडम है, जो करना है करे। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 61, क्या तुमने मुझे ठीक से सुना, क्या तुम्हारा मोह दूर हुआ? हुआ है तो हम ठीक है, अब तुम इस पे चिंतन करो, मनन करो, और फिर चाहे जो करो, है ना? तो हम कौन होते रिकमेंड करने वाले, हम रिकमेंड नहीं करेंगे, बट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो कई सारों को मैं देखता हूँ, फिर वो बाद में मुझे पूछते हैं कि सर क्लाइंट नहीं आ रहे, या मुझे सीरियसली नहीं ले रहे, इग्नोर कर रहे। तो ध्यान से सुनिए, दो चीजें। पहली चीज, किसी भी चैलेंज में पार्टिसिपेट ना करें, सोशल चैलेंज में, साड़ी चैलेंज, हबी चैलेंज, वाइफी चैलेंज, और कौन सा होता है, 10 ईयर चैलेंज, 20 ईयर चैलेंज, 20 ईयर चैलेंज पे मेरा भी एक फोटो था, 20 ईयर का,
कोई पकड़े तो मैं बता देता हूँ वो मैंने किया है, ओके, बट आई स्टिल से नॉट रिकमेंडेड. अब वो मेरी इमेज के साथ जाता था, मुझे कुछ प्रोजेक्ट करना था राजेश खन्ना वाला, तो वो मेरी इमेज के साथ जाता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इमेज के साथ जाता है तो आप करो, कोई इशू नहीं. क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं, जैसे आज हमने स्टेटस डाला है ना, क्रिएटिवली यूज किया है, आया ना, तो सुबह सुबह 4 बजे बनाया मैंने वो स्टेटस. तो पॉइंट क्या है, आपकी इमेज के अनुसार जो भी अच्छी चीज है उसको करें, बाकी चीजों से दूर रहे. क्योंकि आजकल लाइफ ऐसा है, ध्यान से सुनिए, आप जब तक मुझे देख रहे हो यहाँ पे, ये सेशन देख रहा है, 50 लोग आपका स्टेटस देख रहे हैं, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स. अब आप लोगों को जो दिखा रहे हो वही लोग देखेंगे, और लोग यही सोचेंगे कि यही आपकी प्राथमिकता है ना. That is how लोग कई बार भाव खाते हैं. आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, कभी कभी 6 महीना 8 महीना तक रुलाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है यार ये पहले तो मैथ्स की ट्यूशन लेती थी, अब ये अचानक करियर कोच कैसे बन गई, पेरेंटिंग कोच कैसे बन गई. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कंसिस्टेंसी इज द मदर ऑफ मास्टरी. कंसिस्टेंसी इज द मदर ऑफ मास्टरी. तो कंसिस्टेंट रहे आपके इमेज के प्रोजेक्शन में. यस, दूसरी बात है, जिसे कहते हैं ना थैंकलेस जॉब है उसको आगे बढ़ाए. थैंकलेस जॉब है उसको आगे बढ़ाए, मतलब क्या, जो भी आजू बाजू में आता है आपके, उसकी सेवा करे, उसकी मदद करे, उसको हेल्प करे, प्लीज. क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पर मैं कभी डिस्टिंग्विश नहीं करता पेड और अनपेड क्लाइंट, कभी डिस्टिंग्विश नहीं करता. प्राइमरी लेवल की 20-30% तक की हेल्प तो मैं फ्री में ही कर देता हूँ, करता हूँ ना, है ना. अभी ध्यान से देखिए, ये 100% सबको चाहिए, तो 30% देने के बाद भी वो क्लाइंट आ सकता है आपसे प्रोडक्ट परचेस करने को. मार्क माय वर्ड्स. ओके, तो अगर कोई आपके आजू बाजू में है जिसको जरूरत है, मदद की जरूरत है, तो प्लीज प्लीज उसे मदद कीजिए. पहले आप मदद करें, लोगों को अनुभव लेने दे कि आप कौन हो, आपकी कंपनी क्या है, क्या इथिक्स है, क्या प्रिंसिपल्स है, क्या एक्सपर्टीज है, क्या नॉलेज है. एरिवेटिंग माप अभी आपको दोनों तीनों लेवल पे करना पड़ेगा. आई रिपीट, दोनों तीनों लेवल. पहला लेवल पर्सनल लेवल पे, आपके पोस्ट से, आपके फेसबुक लाइव से, आपके डिस्कशन से, आप किस टॉपिक पे बात करते हो, कैसे बात करते हो, इससे लोग आपको जज करते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हफ्ते में कम से कम 2 या 3 जगह में जाता हूँ, एज अ गेस्ट भाषण देता हूँ हर हफ्ते, ये भाषणों के अलावा. अब मुझे इतने सारे इनविटेशंस क्यों आते हैं? कई बार पेड भाषण भी देता हूँ. इतने सारे इनविटेशन क्यों आते हैं? क्योंकि मेरा, देखिए आजू बाजू में देखिए, मैं करते क्या रहता हूँ, एक ही टॉपिक है, बालक पालक, और उसी पे भाषण देते रहता हूँ, हाँ या ना. तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक गुरु नंदन बहुशाखा अनंताश्य बुद्धयो अव्यवसायी ना. प्रोफेशनल वही जो एक चीज पे फोकस करे. अब बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड डाइवर्सिटी इन एवरीथिंग, मैं दो बोल रहा हूँ आपको. अगर आप एक कर पाओ तो बहुत अच्छा, एक कर पाओ तो बहुत अच्छा, बट डिपेंड करता है. कुछ लोग पार्ट टाइम में कर रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ कर रहे हैं, तो आपको शुभकामनाएं, बट तीन चीजें ना करें. क्लियर है? दूसरी बात, प्रैक्टिस करे. व्हाट इज द वर्ड? प्रैक्टिस करे. इतने सारे वीडियोज है, इन वीडियो को देखिए बार बार देखिए इन वीडियोज को. क्लियर है? शो ऑफ हैंड्स अगर क्लियर. ये जब आप करोगे ना, तो आपका एज अ कंसल्टेंट बिजनेस बढ़ेगा. तीसरी बात, ये भी बहुत जरूरी है. तीसरी बात, ये क्या बात है कि आप नेक्स्ट लेवल पे जाइए और प्रॉपर जो 50 सेशन वाला बिजनेस कोचिंग लीजिए. हाउ मेनी ऑफ यू आर इन दैट बिजनेस कोचिंग सेशंस? अमेजिंग इनपुट मिल रहा है आपको बिजनेस कोचिंग में, आया ना. स्टेप बाय स्टेप साइंस सिखा रहे बिजनेस का, बट एट द सेम टाइम भाई घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या ना. फर्स्ट लेवल पे सब कुछ आपको दूंगा तो सेकंड पे कौन आएगा? अब मेरा तो घर चल जाता है, मेरे पार्टनर का क्या होगा? पार्टनर्स का. ओके, पार्टनर नहीं, पार्टनर्स का. तो कई सारे पार्टनर्स हैं मेरे, है ना, तो उनका क्या होगा? ट्रेनर्स का क्या होगा? तो आप वहां पे भी आ सकते हो, बट प्राइमरी लेवल पे आप लोगों को अपनी इमेज से ही बनाए. पार्ट वन. पार्ट टू ध्यान से सुनिए, स्पिन टेक्निक यूज करें. बार बार स्पिन टेक्निक यूज करें, स्पिन टेक्निक से बहुत फायदा होता है. तीसरी बात मैं बात कर रहा हूँ, अभी डायरेक्ट जो सोहम लाइफ कंसल्टेंसी पे वीडियो आ रहे हैं ना,
उनको डायरेक्टली प्रमोट करे, उनको डायरेक्टली प्रमोट करे। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने एक आधा वीडियो प्रस्तुत करूंगा। ओके, गिव मी वन मिनट। ये रहा आपके स्क्रीन में, ये जो वीडियो है इनको डायरेक्टली प्रमोट करें। कहां गए वीडियो? ये भी बहुत अच्छा वीडियो था अक्षय कुमार वाला। मान लो ये वीडियो है, तो इनको आप शेयर कर सकते हो। कैन यू सी? ये सोहम गुरुकुल देख सकते हो, शो ऑफ हैंड्स अगर देख सकते हो तो ये फ्री वाला है, इसको आप शेयर कर सकते हो। या फिर मैं आपको ये वीडियो डायरेक्ट व्हाट्सएप में भी दूंगा, आप ग्रुप में डाल सकते हो। अभी एक बहुत अच्छा छोटा वीडियो बना है सोहम के इंट्रो का, हैव अ लुक एट दिस वीडियो। ओके, डिटेल में एक्सप्लेन किया प्रॉपरली, है ना? इंट्रो के लिए ये बहुत अच्छा है। ये आपके लिए लिखा है, फील फ्री टू आस्क मी अबाउट फ्री ट्रेनिंग फॉर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। थैंक यू। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? ये एकदम छोटा, 1.5 मिनट का है, सिंपल है। इसको मैं आपको व्हाट्सएप पे भी दे दूंगा ताकि आप आपके ग्रुप में भी डाल सकते हो, कॉन्टेक्ट को भी दे सकते हो, कोई अगर आपको पूछे कि क्या कर रहे हो। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, हैव अ लुक हियर। ओके, ये सब मैं आपको दे रहा हूँ, ये बन रहा है और आई एम श्योर 24 तारीख से पहले आपको ये मिल जाएगा। तो हैव अ लुक हियर। ये क्या है, क्या आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? एक बार हाथ दिखाए प्लीज। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए सोहम इंट्रो का मैसेज, हम एक स्टैंडर्ड मैसेज बना रहे हैं। कोई अगर पूछता है, अरे तुम क्या कर रहे हो? ओके, तो क्या स्क्रीन दिख रही है आपको वर्ड फाइल की? नहीं दिख रही होगी, तो ये फाइल मैंने ओपन की है। हैव अ लुक, ये जो स्टार है ना व्हाट्सएप के, वो स्टार भी इसमें लगा के दिए हैं हमने। तो हर बार ये मैसेज को कॉपी पेस्ट करके डालना है। बढ़िया है? ओके, अब मैं बता रहा हूं आपको कि आपको हम क्या देने वाले हैं आने वाले समय में सबका। मान लो सोहम इंट्रो का मैसेज है, पीडीएफ है, पीडीएफ में वो फाइल है जो अभी आपने वीडियो देखा, ये उसका पीपीटी है, ये उसका वीडियो, फिर आईडीपी का पूरा, डीएमआईटी का पूरा आ जाएगा, आईटीजी का पूरा आ रहा है। कैन यू सी? सबके तीनों फॉर्म है, वर्ड फाइल, पीडीएफ फाइल, पीपीटी फाइल, वीडियो, है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बहुत बढ़िया तरीके से आप उसको प्रमोट कर पाओगे। तो बोल्डली प्रमोट कीजिए, स्पिन टेक्निक यूज कीजिए। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ओके, 24 तारीख को आपको एक गुड न्यूज शेयर करेंगे हम, तो 24 तारीख का इंतजार कीजिए। हमारा फाउंडेशन डे है, तो शाम का समय फ्री रखें प्लीज। विल हैव अ वेरी गुड सेलिब्रेशन ऑन जूम। एंड एक नेशनल फिगर आ रही है एकेडमिक्स में से, जो हमें गाइड भी करेंगे, तो दैट वुड बी वंडरफुल प्रोग्राम। ज्यादा बातें मैं अभी नहीं बताऊंगा, सस्पेंस रखते हैं। पार्ट वन, पार्ट टू आई विल टेल यू। आईडीपी प्रोग्राम जो है ना, इस तरह की और इस इंटेंसिटी की सर्विस डीएमआईटी की कोई कंपनी नहीं कर सकती।
करती नहीं है और करना भी मुश्किल है। साल साल भर का कमिटमेंट कोई नहीं दे सकता 5,000 में, दे सकता है क्या हर हफ्ते मिलने का कमिटमेंट? बट हम दे रहे हैं। तो बोल्डली आईडीपी को प्रमोट करें, आईडीपी से आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा, आईडीपी से आपको रेफरल बिजनेस आएगा। कौन सा वाला रेफरल? यानी एक क्लाइंट आया, वो बार 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 आपके कॉन्टेक्ट में है, आपके साथ में, तो डेफिनेटली आगे वाले लेवल पे आपको बिजनेस आएगा। क्लियर है? तो एज अ कंसल्टेंट, जस्ट टू सम अप, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले क्या नहीं करना उसके बारे में देखिए। जो हमारा सब्जेक्ट नहीं उसका डिस्प्ले बंद करे, चाहे आपको करना है करे, चाहे आपको करना है करे। मुझे बहुत पसंद है नागार्जुना, रजनीकांत और अनुष्का शेट्टी। मेरे फेसबुक प्रोफाइल में अगर आप ढूंढो तो अनुष्का शेट्टी की आपको 2200 से ज्यादा फोटोज मिलेंगे किसी जमाने में। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट अब मैं वो डिस्प्ले नहीं कर सकता ना, अब मेरा इमेज कुछ और है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपकी रियलिटी को डिस्प्ले आपके इमेज के और प्रोफेशन के अनुसार करें। सेकेंडली प्रैक्टिस करें और लोगों की सेल्फलेसली मदद करें, प्लीज सेल्फलेसली। ये ना देखिए कि यार ये मेरा 5,000 का नोट है, 6,000 का नोट है, 2,000 का नोट है, 1,00,000 का नोट है, ना। लोगों की हेल्प करें, लोग आगे बढ़ेंगे। एंड आई विल टेल यू, एक एक क्लाइंट आपको 25-25-30-30,000 का बिजनेस दे सकता है, पक्का दे सकता है, अगर वो अपग्रेड हो जाए तो। अरे ग्रेडिंग में अकाउंट मान लो कोई इसमें आता है, आईडीपी में आता है, उससे आईटीजी में आता है, तो आईटीजी का तो हम हाई एंड फ्रेंचाइजी को 25% रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब कितना, 25,000, ऑलमोस्ट 24,000 सेम क्लाइंट, और वो जीवन भर दुआएं देगा और वो आपको और रेफरेंसेस देगा, है ना। तो यहाँ पे ये ना सोचे कि हमारा बिजनेस सिर्फ डीएमआईटी टेस्ट करना है, हमारा बिजनेस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का। तो प्रैक्टिस करते रहे, स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस करें, व्हाट्स द वर्ड, स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस करें। मैं स्वयं की बात करता हूँ, मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ अगर कुछ है तो स्टोरी टेलिंग है। आई एम अ ट्रेमेंडस स्टोरी टेलर, हाय शो हैड्स। तो मैं स्टोरिया सुनाता हूँ, आपको भी स्टोरी सुनानी है, सक्सेसफुल होना है तो स्टोरिया सुनाने के लिए प्रैक्टिस करें, कंसल्टेशन की प्रैक्टिस करें, ज्ञान बढ़ाएं। एंड आई विल टेल यू, ऑब्जेक्टिव एक ही रखें, जो सामने आता है उसके लाइफ में पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं, पॉजिटिव चेंज करना, यू विल बी सुपर सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस ऑफ कंसल्टेशन। एंड विश यू ऑल एन अर्ली रिटायरमेंट।